कल थाना लिंक रोड में हुई नाबालिग के साथ रेप की घटना के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में घर के पास ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया है एहतियातन, क्योंकि कल यहाँ पर काफ़ी आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। हालांकि जो मुख्य आरोपी था फैजान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बात करने के लिए सीधा जो पीड़िता थी, नाबालिग पीड़िता, उसके पिताजी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं घटनाक्रम क्या रहा उस दिन का जिस दिन ये घटना उस गुड़िया के साथ हुई। ये मतलब बुधवार की शाम को 5:30 बजे की बात है। ये पीछे से मतलब आया फैजान का लड़का, फैजान नाम का लड़का था, वो पीछे से घुसा। मैं गुड़िया घर में अकेली थी, गुड़िया अकेली थी, हम सब अपने काम पे गए हुए थे, बाहर में। तो हमें पीछे से वो लड़का आया, गेट खोला, गेट वो बच्चे को एक गोद में खिला रही थी हमारी बेटी, बच्चे को गोद में खिला रही थी वो लड़का, उसने लड़का भीतर घुसा था, उसने मुँह में कपड़ा लगाया था, वो हो गई लड़की बेहोश। पहले मारा कूटी भी करी है उस पर, उसके बाद वो लड़का फेंक दिया मतलब उसी ने छीन के, हाँ, उसके बाद वो किचन में ले गया है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या करा उसने। हाँ, तो कितने लोग थे इस दौरान? मैन तो जो वही था, कहना कहना जो भैजान था मतलब, और बाकी मतलब 3 लोग मतलब बाहर खड़े थे मतलब, और ये पहरेदारी करने के लिए। हाँ, और ये लड़का था, ये यहाँ से देख रहा था, ये वाला छोटा वाला लड़का मेरा, ये देख रहा था, वो इसने देख लिया, वो लड़का पहचान लिया, उसके बाद इसने उनसे धमकी दी इस लड़के को, नहीं तुझे मार दूंगा साले यहाँ से भागो, तो ये डर के मारे मतलब पुलिया पे भागा था हमें बताने के लिए। तो जब आपको पता चला तो आपने क्या किया, पुलिस को शिकायत दी, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस वाले आए मैं तो, हमारी जो मतलब घटना हुई थी वो पुलिस वालों को हमने दी मैं तो। कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? वही है कि वही फैजान नाम कोई गिरफ्तार हुआ है ना। आपकी आपकी क्या डिमांड है अभी? हमारी खाली उसकी मतलब हमें फांसी कब होगा ना, हमें फांसी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए भाई खाली। वैसे फैजान को या जो 3 लोग अन्य थे उनके लिए जो गलत करा उसको फांसी चाहिए मतलब। हाँ बस बिल्कुल, ये पीड़िता के पिता हैं, इनकी आंखें भराई हैं, गला रुंधिया गया है, साफ तौर पे कहना ये है कि आरोपी फैजान को कम से कम फांसी की सजा दी जाए। हालांकि कानून के हिसाब से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 प्रदेश।